अस्सलाम नाजरे, सारा न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं सुल्तान, आइए देखते हैं आज की खबरें। शाहीन नगर बिस्मिल्लाह कॉलोनी के एरिए में क्रेसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानिब से मदरवेट प्रोग्राम अमल में आया। इस प्रोग्राम में ये बताया गया कि अपनी जिंदगी में माँ की अहमियत क्या होती है। इस प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट नजर आए जनाब बरकतुल्ला खान साहब, मोहम्मद अताउर रहमान साहब, महमूद अली साहब और मिर्जा मोइनुल्ला बेग साहब। आइए देखते हैं ये खबर। How much we sustain the relationship is very important. After ER, the last one. The हमें अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए होता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। जिंदगी दी फादर कीप यू लिविंग एवरी वर्ड यू हैव अटर्ड फॉर अ फादर इज अ रियलिटी। आई कैन नॉट डिनाय एनी ऑफ योर स्टेटमेंट बट आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड आई रिस्पेक्ट माय फादर एंड आई लव माय फादर। हर एक बात जो तुमने कही है अपने बाप के लिए वो सब सही है, मैं उसे झुठला नहीं सकती। मैं तुम्हें तुम्हारे जज्बात की कद्र करती हूँ और मैं भी स्टूडेंट्स के लिए, नादाब के लिए, टीचर के लिए। ये यूएई यूएसए में बहुत बड़े ट्रेनर के हैसियत से काम करे हैं, वो भी आज आपके सामने खिताब करेंगे और दूसरे हमारे एरिए के लीडर तशरीफ लाएंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठे रहें और मेरी बच्चों से गुजारिश। तमाम मुअज्जिज मेहमान, मैं शाकिर साहब का नाम जानता हूँ, दूसरे मुअज्जिज मेहमानों का नाम नहीं जानता। बहरहाल मेरी प्यारी बहनों, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, बच्चियों, हमारे माज अहमद सर जो है, जब से आपको बेहतरीन बातें अहादीसें सुनाए, बहुत आला रूला बात है, उस पर अमल करना और समझना ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर माँ, माँ और बाप, अभी एक मिनट पहले डिबेट हुआ दो बच्चियों के दरमियान माँ और बाप पर, यह हक बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम अब्दुल खालिक, करस्पॉन्डेंट ऑफ क्रिश्चियन स्कूल शाहीन नगर, ग्रुप ऑफ स्कूल। हमारे तीन ब्रांचेस है, मेन ब्रांच हमारा शाहीन नगर में है जो पिछले 15 साल से काम कर रहा है और अब कुबा कॉलोनी में हम पिछले 3 साल से यहाँ पर एक ब्रांच चला रहे हैं और बिस्मिल्लाह कॉलोनी में भी हम 3 साल से ये ब्रांच चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ब्रांचेस में हमारे पास 1500 बच्चे हैं और 70 जो है टीचिंग स्टाफ हमारे पास है। ये तीसरा साल बिस्मिल्लाह कॉलोनी में मदर्स मीट के नाम का ये प्रोग्राम, ये जलसा हो रहा है। तमाम वालिदैन का मैं यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ आप सब। क्रिश्चियन स्कूल के मैनेजमेंट और टीचर स्टाफ और स्टूडेंट्स की हिम्मत अफजाई करे हैं, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इत्मीनान के साथ, एक और 2 घंटे का प्रोग्राम चलेगा और हमारे मेहमान महेश्वरम के MLA सुबिता रेड्डी और आज से 15-20 दिन पहले जम्मू कश्मीर में पुलवामा एक जो है गांव है, एक ज़िला है, उसके अंदर हिंदुस्तान के 40 से 50 60 जवान एक ही बम में शहीद हो गए। इस सिलसिले में सारा हिंदुस्तान परेशान है
और उन शहीदों को सलाम पेश करता है। के सामने दो मिनट का एक जो है सॉन्ग बजेगा, जिसके अंदर जो जवान शहीद हुए उनके बच्चे अपने बाप को याद कर रहे हैं और उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं। मेरी तमाम माँ बहनों से गुजारिश है वो अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाएं, और बच्चों से गुजारिश है शहीदों को सलाम करते हुए आपकी जबान से अल्फाज निकले ना आप ऐसा मूव करेंगे, अटेंशन पोजीशन में खड़े रहेंगे। यहाँ से दो मिनट के अंदर आप महसूस करेंगे कि जिनके बाप अचानक मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, अपनी जान कौम के लिए कुर्बान कर देते हैं, तो उनके ऊपर कैसे गुजरती है। और फिर जब हम में से किसी के वालिद का इंतकाल हो जाता और जब हम उनके साये से उनकी सरपरस्ती से महरूम हो जाते हैं, उनका साया हमारे सर पर से निकल जाता है, तो हम क्या महसूस करेंगे, कैसा महसूस। यही वजह है हम आप लोगों को इजाज़त नहीं देते आने की। स्कूल पुलिया सड़क आपने कैसे हम से उड़ा दिया, कैसे पढ़ूं और क्या करूं जो भविष्य मेरा चुरा लिया।